अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये प्यारा सा प्लांट शम्मी का है और ये फेमस है अपने डबल कलर के फ्लावर के लिए। कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर आता है, पिंक और येलो, हाफ पिंक होता है और हाफ येलो, और इसकी बड भी बहुत क्यूट लगती है। और ये महीन महीन सी पत्तियाँ आपके गार्डन में बहुत सारी ग्रीनरी ऐड करती हैं। ये जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेतीली ज़मीन होती है, डेजर्टी या सहराई जगहों पर समझ लीजिए ऐसा पौधा ग्रो होता है। इसका बोनसाई भी आराम से बनाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत कम पानी में आराम से चलता है और ज़्यादा केयर की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी रूट्स बहुत गहराई तक जाती हैं, तो प्लांट में लगाइए जब इसको प्लांटर में, तो प्रून करते रहिए क्योंकि बहुत एक ट्री का रूप ले लेता है ये। तो मैंने भी इस प्लांट को थोड़ा छोटा किया है। फ्लावरिंग तो ये पूरे साल में दो चार फ्लावर रोज़ एक दो आते ही रहते हैं और तकरीबन पूरा साल ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसको प्रून कीजिए, इसकी शाखाओं को कट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसकी शाखाओं को कट किया था तो उस जगह पर फिर से बडिंग चालू हो गई और फ्लावर भी ब्लूम करने लगे। इतना प्यारा सा ये फूल है, येलो और पिंक, और यहाँ है इसकी बड्स। इसमें छोटे छोटे से दाने जैसे मोतियों जैसे निकलते हैं और यही इसकी कलियां हैं, रोज़ ही खिलती हैं। और आधा ये ऑरेंज है, आधा पिंक है। और जब फूल खिल चुकता है तो सूखने पर इससे सीड्स भी आते हैं। तो ये कटिंग और सीड्स दोनों ही से ग्रो किया जा सकता है। बारिश में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और इस प्लांट के नीचे इसकी रूट से भी काफ़ी प्लांट्स निकल आते हैं, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं और उनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि ये सहराई पौधा है तो बहुत बलुई मिट्टी इसको पसंद है। सैंडी मिट्टी तैयार कीजिए, हाफ हाफ मिट्टी, वरना कोई भी गार्डन सॉइल में ये चल जाता है। ज़मीन में है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर तो कैसे भी चला सकते हैं। लेकिन पानी इसको बहुत चाहिए क्योंकि सुबह शाम आप वाटरिंग करेंगे तो इसकी पत्ती ग्रीन लगेगी, और एक भी टाइम अगर इसको पानी नहीं देते हैं तो ये थोड़ा इसकी लीव्स सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाती हैं। कम केयर में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर इसको लगाइए। ये देखिए, ये प्लांट में पप्स निकल रहे हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं बिल्कुल जड़ के आसपास। बस इसी तरह से आप इनसे नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र में आप किचन वेस्ट दीजिए, काउडंग या वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी की गुड़ाई करते हुए आसपास हर 15 दिन में 20 दिन में बदल बदल कर देते रहिए और ये आपका प्लांट सालों साल ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्यारे से फूल के लिए इस प्लांट को अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।